Hello viewers. Today we are going to discuss some important terms related to the design of earthen dam. So let's start. First, design criteria for earthen dams. Basically, we have to design here the seepage line, which is entering into the dam and affecting the stability of the dam. So if this is our earthen dam then the phreatic line or the seepage line as we have discussed in our last videos so we have to design the uh, section of that phreatic line means how the phreatic uh, line will pass through the body of the dam so basically the line this seepage line or phreatic line is within the dam section this is within the dam section only within the dam section and the pressure in this ferretic line is equal to atmospheric pressure that is zero the pressure is zero in this ferretic line seepage line and above this seepage line above this seepage line there is negative hydrostatic pressure or we can say there is zone of capillary or capillary fringe and below the ferretic line there is positive hydrostatic pressure below this seepage line so here इन दिस ये ऊपर साइड में क्या होता है हमारे यहाँ कैपिलरी राइस के वजह से हमारा ये जो पानी है फेरेटिक लाइन से ऊपर जा रहे अब ये कैपिलरी क्या है सो व्हाट इज कैपिलरी सी दिस इज अ बॉटल ऑफ वाटर कंटेनिंग वाटर अगर इसके अंदर हम लोग एक कोई भी एक एक्सपेरिमेंट ग्लास ट्यूब छोटा सा ग्लास ट्यूब रखते हैं तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पानी जो है ग्लास ट्यूब में यहाँ पानी जो है ये राइस कर जाता है क्यों ड्यू टू कैपिलरी ये कैपिलरी एक्शन क्या होता है ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये वाटर मॉलिक्यूल्स एवरी लिक्विड जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो लिक्विड्स क्या होता है उनके बीच में वो इंटर मोलिकुलर फोर्सेज होते हैं वो एक जगह रहने की कोशिश करते हैं एक साथ सो जिसके वजह से क्या है कि ये इनके पास ये कोहेसिव फ़ोर्स रहते हैं एट ए टाइम इनके पास ये एडेसिव फोर्स भी रहता है इसीलिए ये जो लिक्विड है हम देख सकते हैं कि ये जो हम लोग का Uh, हम लोग एक वाटर बॉटल ये मेड से मेड अप ऑफ ग्लास ये ग्लास के साथ ये वाटर जो है वो अधेर होके रहती है सो दिस इज एडिशन सो बोथ द प्रॉपर्टी है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज भी है लिक्विड में कोहेशन और ये चूंकि ये लिक्विड जो है ये वाटर बॉटल है ये इस ग्लास के साथ अटैच्ड है यहाँ सरफेस में हम देख सकते हैं तो वो है एडिशन दोनों है तो अगर हमने ये जब जैसे ही ये एक ट्यूब ग्लास ट्यूब हमने इस बॉटल के अंदर डाल दिया एक वेसल के अंदर वाटर वेसल के अंदर डाला तो इसमें क्या होंगे हम लोग देखेंगे कि पानी जो है वो राइस कर जा रहा है क्यों क्योंकि ये जो इंटर मोलिकुलर फोर्सेज का ही कोहेसिव नेचर के होने के वजह से एक साथ रहने की टेंडी के टेंडेंसी की वजह से ये वाटर्स जो है इसके जैसे इसको यहाँ स्पेस मिला ये ग्लास ट्यूब मिला ये एक साथ राइज हो जाएगा क्योंकि ये ग्लास ट्यूब के साथ क्या है वाटर मोलिकुल्स एडहेसिव होकर एडहीशन में जाके ये राइस कर जाएगा ठीक है दोनों प्रॉपर्टी कोहेशन एंड वेल एज यही है कैपिलरी तो यहाँ क्या होता है ये सॉयल के बीच में कुछ हमारे यहाँ वॉइड्स है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ये सॉयल पार्टिकल्स के बीच से राइज कर जाएंगे इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी एक्शन चूँकि वाटर अपवर्ड राइज हो रहा है ये सॉयल वॉइड्स से सो यहाँ क्या होगा हमारा वाटर ये सॉयल के बीच में ये सॉइल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के वजह से ये सॉइल के बीच के जो पोर्ट्स है उसमें से वाटर क्या हो रहा है राइज हो रहा है टेंशन में आ रहा है वाटर सो दैट्स हियर दिस इज नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर नेगेटिव एंड हियर बिलो दिस सीपेज लाइन इट इज पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ओके अभी क्या होता है ये चूंकि अपवर्ड साइड में जोन ऑफ कैपिलरी है नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है इसके वजह से हमारा क्या होगा जो हम लोग का इफेक्टिव हो वेट होगा सॉयल का वो क्या होगा रिड्यूज़ होगा इफेक्टिव वेट रिड्यूज़ होने की वजह से क्योंकि पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो इफेक्टिव वेट क्या होगा रिड्यूज़ होगा इफेक्टिव वेट रिड्यूज़ हो रहा है और इसके वजह से क्या होगा इन रिटर्न शेयर स्ट्रेंथ विल ऑल्सो रिड्यूज सो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉयल विल ही रिड्यूज ओके सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर एंड वन ऑफ़ द वेरी डिवास्टेटिंग पैरामीटर बट इसमें क्या है ऑन द अदर हैंड क्या होता है इस सॉइल स्ट्रेंथ इस कैपिलरी की वजह से यहाँ पे सॉइल हमारा क्या होता है इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस है सॉइल के बीच में ये टेंशन में आ रहा है दैर इज़ टेंशन इन दिस सॉयल वाटर जो है टेंशन में ये टेंशन की वजह से क्या है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में ये सॉइल पार्टिकल्स के बीच से जब वाटर गुजर रहे तो इसमें क्या है ये एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है साइड के सॉइल पार्टिकल्स के बीच में ठीक है वो टेंशन में है क्योंकि टेंशन में है तो ह्यूज प्रेशर अप्लाई हो रहा है आसपास के सॉइल पे तो सॉइल क्या होंगे और ज़्यादा यहाँ के जो ऊपर के सॉइल है वो कंपैक्ट हो जाएंगे ठीक है एक साथ हो जाएंगे तो इस इस वजह से क्या होगा यहाँ पे इन रिटर्न शेयर स्ट्रेंथ जो होंगे वो इंक्रीज़ कर जाएंगे तो हम लोग का इस इस वजह से अबव द फेरेटिक लाइन द सॉइल विच इज़ प्रेजेंट इन दिस अर्द एंड डैम इट इज़ नॉट ऑफ सो इम्पॉर्टेंट इट इज़ नॉट ऑफ सो इम्पॉर्टेंट कंसर्न ओके सो वी कैन नेग्लेक्ट दिस तो वी हैव टू डील विद द सॉयल बिलो दिस फेरेटिक लाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द सॉयल बिलो दिस फेरेटिक लाइन ठीक है तो इस वजह से ये ऊपर वाला जो सॉइल हो गया वो तो स्लाइटली सेफर साइड हो गया ड्यू टू कैपलेरी एक्शन की वजह से हमारा सॉयल जो है उसमें शेयर स्ट्रेंथ बढ़ जाता है क्योंकि पानी की वजह से क्या है पानी अपना एक टेंशन फोर्स अप्लाई कर रही है तो सॉइल क्या हो रहा है और ज़्यादा कंपैक्ट हो रहा है तो शेयर स्ट्रेंथ तो बढ़ गया so, uh, uh, है सो ऊपर वाला फेरेटिक लाइन के जो अबव है सॉयल वो इट इज़ सेफर साइड बट बिलो द फेरेटिक लाइन वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस सो हियर इन दिस बेसिकली फेरेटिक लाइन डिवाइड द ड्राई सॉयल एंड द सबर्सल बेसिकली द अबव सॉयल इज टेकन एज ड्राई सॉयल एंड द बिलो सॉयल इज टेकन एज सब सॉयल बिलो द फेरेटिक लाइन फेरेटिक लाइन के बिलो जितने भी सॉयल उसको हम लोग सबमज साइल बोलते हैं एंड फेरेटिक लाइन के अबव जो सॉयल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे dry soil or moist soil okay for the computation of shear strength now next point ये first point हो गया ferritic line का first point कि ना ferritic line हमको क्यों पढ़ना है कि dry soil और uh, wet soil को वो divide करता है ferritic soil तो shear strength निकालने के लिए dry soil wet soil तो हम लोग को ferritic line पढ़ना जरूरी है next is for drawing the flow nets for drawing the flow nets ferritic line as i have told you this uh, another uh, important use is uh, drawing the flow net uh, by this ferretic line so what is flow net flow net is basically it is a pictorial representation of the path taken by the particles the water particles entering from the water water particles and the head variation of this water particles along the path okay so, now uh, that it will form a net like structure that is called as flow net what is this when a water particles how the flow net forms when a water particle see this is water come uh, there is huge amount of water coming from this uh, vessel so when the water particles if we trace say one water particle is there it, if we trace this the path of this water particle this is called a streamline the path traced by this, the path which is traveled by these water particles so there are uh, infinite number of water particles coming from this water so each and every path when traced by these uh, if we trace each and every path of this water particle then there will form infinite number of streamlines so uh, when uh, if infinite number of streamlines formed and uh, if there is an point since there will be an point which will have equal head means water head equal water head if we fitted here piezometer if we fitted here piezometer in this line then it will show equal head in this piezometer on this line and if we place here this piezometer then it will show here equal head so uh, the equipotential line having equal head of this uh, different uh, water particles so then, if we can see, there is an net-like structure by these both streamline that is the flow line of this water particles and the line equipotential line, which is having equal water head. If we uh, if we placed here one piezometer, we can see. So the net formed by this is known as equipotential line and streamline is known as flow nets. So through this piezometer, uh, sorry, through this phreatic line. Uh, we can draw the. It will help to draw the flow net also. And that this is our second important use of this ferretic line. And the third important use is that the ferretic line, that is, seepage line, does not cut the downstream. This is our downstream phase does not cut the downstream face of our dam. And it to prevent the softening or slaying of the dam, as we have earlier studied in the last video now let's uh, start with the determination of now phreatic line with the dam section providing horizontal filter we can see here this is horizontal filter here provided okay this is our uh, Arden dam now seepage line as we can see how it is placed uh, this is our water level see this is our water level this is our dam and this is our uh, this is our dam and this is our water level so we have to uh, place here um, what uh, uh, the phreatic line we have to uh, we have to construct right we have to draw the phreatic line so for determining the phreatic line we uh, seepage line due to this horizontal due to this filter seepage line due to this filter seepage line is generally pushed as we can see this is seepage line C A A A I J C. This is an seepage line parabolic. How it is formed, we will discuss. The seepage line is passing within the dam section due to this filter only. If the filter is not present, then the seepage line may have cut the downstream face. Uh, see, this is the downstream face. May have cut this downstream face. Okay. Now, uh, see, uh, we. Uh, yeah. Uh, we can see this seepage line due to this horizontal filter has pushed down, pushed down, and uh, it is nearly parabolic in nature. This seepage line, and uh, we can see that this uh, the equip uh, the this GB line, this total this GB line, it is nothing but the line which is having equal head. Okay, this is having equal head. We can say this line as equipotential line because this is the streamline the water when entering into this seepage line water which is entering this is called the seepage line and we have already studied the flow net that is the uh, seepage equipotential line and seepage line the net between the equipotential line and the seepage line it is called flow net and the seepage line uh, sorry the equipotential line and the equipotential line here gb gb is the equipotential line and the the uh, C line that is the streamline here streamline that is B I we can see so B I and A B it is orthogonal to each other that is the stream streamline that is the flow line and the equipotential line is having ninety degree the angle between these two lines is ninety degree orthogonal to each other okay so this uh, G B line uh, is called generally the equipotential line when the water level is full okay if the water level is full up to this point b the gb is known as equipotential line and uh, if we uh, see the face and the seepage line is perpendicular to this point B, okay the seepage line this is the line B I G this is the seepage line that is the flow line or streamline it is perpendicular to this G B line as I have already told this equipotential line and streamline are perpendicular to each other so the uh, G B line seepage line will be perpendicular uh, perpendicular to the line G B okay the seepage line perpendicular to the line G B that is equipotential line and if we draw uh, the projection of this point G it will be here in this point H Drawing the projection that is nothing but G. The projection of G is here H mentioned H, capital H. The projection of uh, G, that is the bottommost point in this dam, uh, that is in the upstream side. We draw the projection GH. This is the equipotential line, that is HB. HB is the equipotential line. And uh, AB, AB is what? AB is nearly the seepage line, generally starts from A. सीपेज लाइन so the distance between the सीपेज लाइन द the सीपेज पॉइंट स्टार्टिंग सी पेज पॉइंट A and B as we have to select B this point why because we are selecting हमने क्यों बी को ही सिलेक्ट किया है इसमें ए यहाँ से हम देख सकते कि सीपेज का पॉइंट था एक्चुअल अगर हम लोग पैराबोला ड्रा करते बेस पैराबोला ये तो हम देख सकते कि ये जो बेस पैराबोला है ये आके ए पे एंड uh, हो रहा है ये दिस इज दिस पॉइंट ए ओके okay, बट हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने क्या हुआ है पैराबोला को हम देख सकते हैं इस डायग्राम में हमने पैराबोला को बी से स्टार्ट किया क्यों क्योंकि हम मैंने अभी बोला कि इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो जी पे परपेंडिकुलर होने के लिए हमें पैरा सीपेज लाइन को बी से स्टार्ट करेंगे तभी हम लोग देख सकते हैं कि जी पे ये जो सीपेज लाइन है ये ऐसे जो बी पॉइंट से शुरू हो रहा है बी सीपेज लाइन बी से आई हो रहा है ये परपेंडिकुलर है तभी जाके हम बोल सकते हैं कि यहाँ एक फ्लो नेट फॉर्म हुआ है फ्लो नेट क्या है हम लोग का जो फ्लो पाथ है उसको शो करता है फ्लो फ्लो द स्ट्रीम फ्लो क्वांटिटी ऑफ फ्लो हम फ्लो नेट से पता कर सकते हैं फ्लोनेट हर एक पॉइंट पे ड्रॉ करते फ्लो नेट दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन वो हर एक जो स्क्वायर है ये जो फ्लो नेट और स्ट्रीम इक्विपोटेंशियल फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन से जो जितने भी स्क्वायर फॉर्म हो रहा है ये हर एक स्क्वायर क्या होता है क्वान्टिटी डिस्चार्ज क्वान्टिटी शो करता है ठीक है तो दैट्स वाई वी हैव टू टेक द पॉइंट बी इंस्टिड ऑफ ए एज द स्टार्टिंग सीपेज लाइन at the starting point of c page okay that, uh, and nothing but the actual base parabola will start from a only okay so now generally a b is near about 0.3 times of hb hb this is the hb length hb is uh, so a b is nothing but 0 0.3 times of hb okay and h is the projection of point g that is the end point of upstream slope g is the end point of upstream slope so actual base parabola is A I J C okay अ uh, actual base parabola it is the A I J C but due to we have uh, मैंने अभी बोला कि perpendicular होना चाहिए floor line और equipotential line इसलिए क्या होगा हमलोग का parabola क्या होगा B से शुरू होगा तो हमलोग का फिर uh, curve कैसे बनेगा B I J and C it will be this curve ठीक है हम लोग का अभी सीपेज लाइन क्या होगा बी आई जे सी बट एक्चुअल सीपेज लाइन बा बेस पैराबोला क्या होगा ए आई ए आई जे सी ओके ए से पैराबोला बट एक्चुअल सीपेज लाइन क्या होगा बी आई जे okay, सी ओके सी पेज लाइन फ्लो फ्लो नेट फॉर्म होने के लिए सी पेज लाइन होगा बी आई जे सी हम उस पैराबोला को लेंगे बट जब हम पैराबोला ड्रॉ करेंगे तो एक्चुअली वो पैराबोला स्टार्ट होगा ए पॉइंट से ओके okay, तो हम इसमें क्या होगा थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा फ्लोनेट फॉर्म करने के लिए तो ए बी पॉइंट को हम लोग लेंगे सी पेज पॉइंट ओके सो बी सो दैट्स वाई बी आई जे सी विल रिप्रेजेंट द फाइनल सी पेज लाइन एंड वी नो इक्वेशन ऑफ बेस पैराबोला कैन बी डिटरमाइन फ्रॉम टू बेसिक पॉइंट्स यूजिंग फोकस एंड डिरेक्ट्रिक्स ये फोकस uh, होता है फोकस सो एफ हियर इज द फोकस एंड डी ये जो लाइन है हमारा डिरेक्ट्रिक्स है और हम जानते हैं पैराबोला का एक प्रॉपर्टी है कि फोकस से ये पैरा ये जो पैराबोला है ये पैराबोला है ये पैराबोला का जो भी पॉइंट सोचिए हमने अगर पी पॉइंट सिलेक्ट कर लिया ये जो पी एक्स वाई है पी एक्स वाई का जो डिस्टेंस होगा फोकस से ये वाला डिस्टेंस जो फोकस से ये जो डिस्टेंस होगा इज इक्वल टू पी का डिरेक्ट्रिक से कितना डिस्टेंस होगा ओके फोकस से और डरेक्ट्रिक से डिस्टेंस इस वर्टेक्स का जो कि पैराबोला पे है वो इक्वल होता है हम जानते हैं ये पैराबोला का नथिंग एल्स ये एक पैराबोला की प्रॉपर्टी होती है कि जो पॉइंट जो वर्टेक्स होता है पैरा ये हमारा पैराबोला हो गया ये जो वर्टेक्स है ना पैराबोला का ये और ये सोचो हमारा फोकस है पैराबोला का तो ये जो फोकस है फोकस से और डरेक्ट्रिक्स है ये लाइन है एक वर्टिकल लाइन ये जो डिस्टेंस होगा ये फ्रॉम डिरेक्ट्रिक्स और फोकस से ये पैराबोला पे जो ये पॉइंट है वो क्या होगा ये वाला लाइन और ये वाला लाइन ये इक्वल डिस्टेंस पर होता है फोकस और डरेक्ट्रिक्स पैराबोला के पॉइंट से ओके सो ये नथिंग बट इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ़ पैराबोला सो नेक्स्ट इज वी ना एज वी नो द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस एस ये एस क्या होता है एस एस इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द डिरेक्ट्रिक्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्स एस को फोकल डिस्टेंस फोकल डिस्टेंस क्या होता है डिस्टेंस ऑफ एफ फ्रॉम डिरेक्ट्रिक्स ये जो एफ और डी है ये एफ डी दैट इज एफ डी ये डायग्राम में हम देख सकते हैं एफ डी एफ डी इज़ नोन एज द फोकल डिस्टेंस ओके सो हमारा इक्वेशन क्या होता है पैराबोला का अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ये कोई भी पॉइंट है हम लोग जब पैराबोला में एक्स एक्स और वाई पॉइंट हम लोग निकालना चाहते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस एस दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला ओके नो no, जनरली क्या होता है हम लोग का जो इक्वेशन होता है अब इससे हम लोग डिस्चार्ज भी निकाल सकते कि कितना डिस्चार्ज हो रहा है सीपेज लाइन से पहले तो हमने इक्वेशन को देख लिया ये क्यों इक्वेशन देखा क्योंकि ये पैराबोला को फॉर्म करने के लिए ये पैराबोला को ड्रॉ करने के लिए हमको क्या चाहिए इक्वेशन चाहिए तो ये इक्वेशन ऑफ पैरा पैराबोला क्या होता है ये uh, हम लोग का सी पेज लाइन को ड्रॉ करने के लिए चूँकि एक पैराबोला के जैसे तो हमने पैराबोला का इक्वेशन यूज़ किया एंड हियर द इक्वेशन इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इकल टू एक्स प्लस एम टी ओके नाउ नेक्स्ट इज नाउ वी कैन सी दैट द डिस्चार्ज वॉट इज द डिस्चार्ज जनरली आई हम लोग डिस्चार्ज अगर निकालेंगे तो आई इज इकल टू आई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एस ओके हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स अब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डी वाई बाई डी एक्स तो हो गया ठीक है अब क्यू क्यू इक्वल टू हमको पता है डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है के आई ए डारसीज लॉ ठीक है ठीक uh, है के आई ए डारसीज लॉ अब के आई ए के इज़ द कोफिशिएंट ऑफ परमेएबिलिटी आई वी नो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डी वाई बाई डी एक्स ओके एंड ए एरिया एरिया कितने एरिया से फ्लो हो रहा है ये हमारा फ्लो एरिया है और जो कि परपेंडिकुलर है जो फ्लो लाइन आ रहा है तो उतना एरिया लेंगे सोचो तो हमारा हमने ये एरिया ले लिया ये वाई है और ये अंदर साइड दैट इज़ परपेंडिकुलर दिस टू द पेपर हम कैसा एरिया लेंगे अब सोचो ये जो वाई तो है हमारा हमको पता है कि ये वाई है और हमारा वन वन कितना होगा वन यूनिट का होगा पर्पेंडिकुलर टू दिस पेपर पर्पेंडिकुलर टू दिस पेपर अभी तो अब मैं थ्री डी तो ड्रॉ करके अभी दिखा रही थी तो पर्पेंडिकुलर टू दिस पेपर तो ये वन होगा और ये जो ये एक्स लाइन है ये ये जो एक्स लाइन है वो पर्पेंडिकुलर टू दिस पेपर है ठीक है पर्पेंडिकुलर टू दिस पेपर हमने वन यूनिट लिया है तो एरिया कितना हो गया यहाँ वाई इंटू वन ठीक है तो क्यू इजिकल टू क्या होगा के इंटू वाई इंटू वन इंटू वाई ओके के आई ए ओके के इंटू सॉरी के इंटू आई आई क्या होगा डी वाई बाई डी एस इंटू ए क्या होगा वाई इंटू वन ओके सो अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला देख देख लेते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस एस ये था इक्वेशन ऑफ पैराबोला और हमको अगर हमने अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज किया वाई के टर्म्स में तो वाई इज इक्वल टू आएगा एस एस स्क्वायर प्लस टू एक्स एस ओके okay. अब हम लोग क्या हमने तो y का वैल्यू पता है हमें क्यू इजिकल टू हमने पहले इक्वेशन से निकाला q इज इकल टू के इंटू आई आई क्या होता है dy वाई बाई डी एक्स इंटू एरिया एरिया क्या था y इंटू वन ओके अब y इंटू वन हो गया अब हम क्या करेंगे ये जो वैल्यू है यहाँ y की वाई इजिकल टू क्या होगा q के टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगा ये y के टर्म्स में uh, y को q के टर्म्स में इक्वेशन निकालने के बाद हम क्या करेंगे इस uh, या फिर एक काम करेंगे एक क्यू इज इकल टू के इंटू डी वाई ये y जो है ना ये y के जगह डी वाई इंटू वाई इंटू वन वाई के जगह इस इक्वेशन को पुट कर देंगे ये वाई इजिकल टू जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला से मिला है हमको y इजिकल टू अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस टू एक्स एस इसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो q की वैल्यू आती है क्यू इजिकल टू क्यू इजिकल टू आता है क्यू इज इकल टू आता है के इंटू एस ये के इंटू एस ये होगा हमारा डिस्चार्ज ओके इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास uh, में निकाल सकते हैं इस uh, और है विदाउट एक ये तो हो गया विथ फिल्टर ओके विथ फिल्टर यहाँ हो गया विद फिल्टर अब और एक केस आता है हमारा विदाउट फिल्टर अगर हम देख सकते हैं यहाँ डाउन स्ट्रीम में कोई फिल्टर ही नहीं है यहाँ पे तो तब क्या होता है जब डाउन स्ट्रीम में फिल्टर नहीं होता है जो हमारा फोकस होता है वो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है डाउन स्ट्रीम फेज़ का ओके डाउनस्ट्रीम फेस का, का ये बहुत ज़्यादा इनस्टेबल कंडीशन हो गया क्योंकि यहाँ पर फिल्टर नहीं है तो वाटर क्या होंगे यहाँ से एंटर हुआ डैम के बॉडी से और सीधा जाके डाउन स्ट्रीम फेस में चले गया और अगर हमारा डाउन स्ट्रीम फेस यहाँ कोलाइड हो जाता है क्योंकि ये तो पूरा सैचूरेटेड हो जाएगा यहाँ से सीपेज लाइन हो गया तो ये सैचूरेटेड हो गया फिर ये वीक हो जाएगा तो ये स्लाइड कर सकता है तो हमारा ये सबसे अनस्टेबल कंडीशन होता है अर्धन डैम का ठीक है पहले वाले से ज़्यादा पहले वाले में तो हमने फिल्टर प्रोवाइड कर, करा था अभी नहीं प्रोवाइड किया तो फोकस से हम क्या कर रहे हैं इसमें क्या होता है फोकस जो होता है ये डाउनस्ट्रीम फेस के एंड पॉइंट बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होता है फोकस और यहाँ सीपेज लाइन होता है ये इमर्ज होता है कहाँ से ये के पॉइंट से और मीटिंग द डाउन स्ट्रीम फेज यहाँ टेंजेंशियली यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो पैराबोला होता है ए आई के और एफ ओके बट हमको पता है कि बे बेस पैराबोला नहीं हमको तो एक्चुअल पैराबोला जो कि चूँकि फ्लो फ्लो लाइन या फिर स्ट्रीम लाइन और ये जो इक्विपोटेंशियल लाइन है ये परपेंडिकुलर हो इसलिए हमको पैराबोला कहाँ से शुरू करना पड़ता है करेक्शन देना पड़ता है तो हम लोग का फिर पैराबोला क्या हो जाएगा बी आई जे सी ओके बी आई जे सी विल बी आवर फाइनल पैराबोला राइट और इस केस में हम लोग आ, कैसे निकालेंगे आ, Q और S को आ, पहले तो हमने इक्वेशन निकाल लिया है Q इज़ इकल टू के इन टू एस वो तो फिक्स्ड है डिस्चार्ज निकालने का और इस पॉइंट में क्या होता है विदाउट फिल्टर के केस में ये जो करेक्शन होता है जे के का यहाँ पे ये वाला करेक्शन ये वाला पॉइंट निकालना पड़ता है जे के ओके यहाँ हम देख सकते हैं ये वाला करेक्शन तो हमको पता है ए बी का दैट इज़ इक्वल टू पॉइंट थ्री ऑफ एच बी ओके बट ये करेक्शन जे के इसके लिए करेक्शन डेल्टा ए बोला जाता है इसको डेल्टा ए ये देखिए डेल्टा ए और ये होता है तो कैपिटल ए तो डेल्टा ए को निकालने के लिए एक ग्राफिकल मेथड भी होता है और एक एनालिटिकल मेथड भी होता है सो so, ग्राफिकल मेथड में हम लोग का अल्फा का जो डिग्रीज दिया रहेगा वो एक टेबल प्रोवाइड होता है तो उसमें अल्फा का जो डिग्रीज रहता है अल्फा के डिग्रीज के हिसाब से हम लोग डेल्टा ए निकाल सकते हैं और एनालिटिकल सॉल्यूशन में क्या होता है हम हमारे पास एक फार्मूला होता है इसमें फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू बी डैश बाई कॉस अल्फा माइनस अंडर रूट ऑफ बी डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस एच स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर अल्फा ओके सो दिस इज द इक्वेशन टू कैलकुलेट ए हम यहाँ से ए डायरेक्ट निकाल सकते हैं और डेल्टा ए निकालने का फॉर्मूला होता है मैंने जो बोला अभी ग्राफिकल सॉल्यूशन एक अल्फ़ा दिया रहता है उससे हम लोग डेल्टा ए निकाल सकते हैं और उसके लिए ये जब ए, ए निकला ये ए निकला जब अल्फ़ा इज लेस देन थर्टी डिग्री है ठीक है ये जो ए की वैल्यू है ये ए क्या है के से एफ का डिस्टेंस के क्या है हम लोग का ये जो पॉइंट है हम लोग का ये जो पॉइंट है जहाँ पे आ, बेस पैरा बोला हम लोग का डाउनस्ट्रीम फेस को कट कर रहा है ये के वो के से एफ़ का डिस्टेंस दैट इज़ नोन एज द ए ये ए ए को हमने अभी निकाला कि ये कौन सा केस था व्हेन अल्फ़ा इज़ लेस देन थर्टी डिग्री वो फार्मूला तब यूज़ करेंगे और जब अल्फ़ा इज़ बिटवीन थर्टी टू सिक्सटी डिग्री अल्फ़ा इज़ बिटवीन थर्टी टू सिक्सटी डिग्री तब क्या फॉर्मूला होगा तब होगा हमारा ए इज एकल टू ए का फिर अलग फार्मूला आता है ए इज एकल टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वाइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अल्फा ओके सी दिस इज द फॉर्मूला फॉर ए अब हम लोग डेल्टा ए कैसे निकालेंगे हमने बोला था उसके लिए हम लोग ग्राफिकल मेथड यूज़ करते हैं ग्राफिकल मेथड से डेल्टा ए निकाल सकते हैं डेल्टा ए का फार्मूला होता है डेल्टा ए इज टू ए प्लस डेल्टा ए इंटू इंटू वन एटी माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई फोर हंड्रेड और ये जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है वो तो हमें क्वेश्चन में गिवन हुआ रहेगा तो उससे हम लोग डेल्टा ए निकाल सकते और ये ए प्लस डेल्टा ए हम लोग का अल्फ़ा अगर गिवन है तो और एक वैल्यू होती है टेबल पे डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा है इसके कुछ कुछ वैल्यूज़ होते हैं जैसे कि थर्टी के लिए होता है पॉइंट थ्री सिक्स ओके सिक्सटी के लिए होता है पॉइंट थ्री टू नाइन्टी के लिए होता है पॉइंट टू सिक्स बेसिकली ये तीन याद रखने से हो जाएगा ठीक है थर्टी सिक्सटी एंड नाइन्टी पॉइंट थ्री सिक्स पॉइंट थ्री टू और पॉइंट टू सिक्स ये तीन याद रखने से हो जाएगा अल्फ़ा जब हम लोग का थर्टी डिग्री होगा सिक्सटी डिग्री होगा और नाइन्टी डिग्री होगा तो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए हम लोग इससे निकल जाएगा डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए ठीक है तो इससे हम लोग डेल्टा ए निकाल सकते हैं डेल्टा ए यानी क्या है करेक्शन जब हम लोग बेस पैराबोला नहीं एक्चुअल सीपेज लाइन जो फेरेटिक लाइन हम लोग का बॉडी डैम के बॉडी से एक्चुअल सीपेज लाइन डैम के बॉडी से पास करें ठीक है सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द वी विल डिज़ाइन एक्चुअली वी विल डिजाइन द अर्धन डैम ओके वी विल डू वी विल डू वन प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस अर्धन डैम डिजाइन ऑफ अर्धन डैम सो टिल देन थैंक यू एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल And like my videos. Thank you, dear all.